हेलो गाइस, यूनिक कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण। आज हम आपको टैली में सिखाने वाले हैं कंपनी कैसे क्रिएट करना, कैसे अल्टर करना, कैसे डिलीट करना। तो आइए हम शुरुआत। तो जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में टैली कैसे इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना ये सीखा हूँ, तो इसमें आप जो डाउनलोड करते हो तो वो तो आपका ट्रायल के लिए है, जिसको आप एजुकेशन मोड के हिसाब से यूज कर सकते हो सीखने के हिसाब से। अगर आपको परमानेंट यूज करना है तो आपको उसको खरीदना पड़ेगा। आप उसको रेंटल मतलब किराए से भी खरीद सकते हो। सिंगल पीसी के लिए आपको मंथली 750 प्लस GST, आप उसको 3 महीने के लिए भी खरीद सकते हो, 12 महीने के लिए भी खरीद सकते हो। उसके बाद में आप इस यहाँ से सिल्वर मतलब आपको जो है परमानेंट खरीदना है पीसी के लिए, सिंगल पीसी के लिए, तो आपको कितने रुपये पड़ेंगे। आप अगर मल्टीपल यूजर के लिए खरीदना चाहते हो, मल्टीपल पीसी के लिए खरीदना चाहते हो, जिसको आप एक दूसरे से लाइन से कनेक्ट करके रखते हो, तो उसको आप मंथली 3 मंथ या 12 मंथ के लिए, या आपको परमानेंट खरीदना है तो गोल्ड आप खरीद सकते हो, जो आप मल्टी यूजर कनेक्ट करके रख सकते हो, जिसका अमाउंट इतना पड़ेगा और प्लस आपको GST पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आके खरीद सकते हो। तो टैली की वेबसाइट से यहाँ से आप लॉगिन करके या फिर आपके नजदीक पास में जो भी होंगे तो वहां से भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वहां से खरीद सकते हो। तो हम जो कल डाउनलोड किए थे वो हमने इसका जो है डाउनलोड करके रख दिए कि हम इसको जो है पढ़ने के हिसाब से, सीखने के हिसाब से यूज कर सकें। अगर आपको खरीदना है तो वही सॉफ्टवेयर आपका काम आएगा, बस आपको उसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलो हम अपने टैली शुरू करते हैं। तो टैली को शुरू करने के लिए आप यहाँ डेस्कटॉप में आपका शॉर्टकट बनाए इसे शुरू कर सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो टैली प्राइम जो आपने कल इंस्टॉल किया। तो हमारा टैली शुरू हो रहा है और टैली के सारे फंक्शन की आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना, जहां से आप सारे शॉर्टकट की याद कर लेना कि आपको टैली चलाने में इजी हो जाए। अब यहां पर दिया गया है कंटिन्यू एजुकेशन, हमें सिर्फ पढ़ने के लिए सीखने के लिए इस्तेमाल करना है तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड इस्तेमाल कर सकते हो। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, जैसे आपने मल्टी यूजर खरीद के रखे और किसी मेन पीसी में डाल दिए हो, अपने एक्टिवेशन मेन पीसी में रखे हो और वहां से आपने सभी पीसीओ को लाइन से कनेक्ट करके रखे हो, तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क कर सकते हो। तो ये जो है उस कंप्यूटर से ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये आपका ओरिजिनल लाइसेंस चलेगा। अब आपका यहाँ पर दिया गया है, आपने यहाँ पर एक्टिवेट करवाए थे लाइसेंस, आपने किराए से लिए थे, अब वो एक्सपायर हो गया, तो आप यहां से इसको रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर आप नए हो, आपने नया खरीदे हो आपने, तो यहां पर आप एक्टिव लाइसेंस में जाकर अपना जो भी है डिटेल डाल के एक्टिवेट कर सकते हो। तो हम फिलहाल यहां पर एजुकेशन मोड इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड पर हम जाएंगे। यहां जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले आ गया, तो आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है। तो यहां जाने के बाद में आप एंटर दबा सकते हो या माउस से क्लिक कर सकते हो या कीबोर्ड से अल्टर सी बटन दबा सकते हैं। तो यहां पर हम क्रिएट कंपनी में क्लिक कर, क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपना कंपनी डाटा पाथ मतलब आपको कंपनी रखना कहां पर है वो आप सेट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास में हमारे कंप्यूटर में सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, आपको कहां सेव करना, तो वहां लिखना पड़ेगा, आपको लोकेशन लिखना पड़ेगा कि D:\ या E:\ या आपने अगर पेन ड्राइव लगाए होंगे तो पेन ड्राइव का भी वहां पर एक ड्राइव बनाऊंगा, तो उसका पेन ड्राइव का ड्राइव बनाऊंगा, वहां पर ऐप बनाऊंगा, जी बनाऊंगा, तो आप उसका लोकेशन डाल सकते हो, तो आपका कंपनी डायरेक्ट उसमें सेव होगा, या आपका कोई नेटवर्क ड्राइव होगा तो आप उसका भी लोकेशन डाल सकते हो, तो डायरेक्ट ये वहां पर सेव होगा। तो यहां पर हम जिससे लोकेशन डाल देते हैं D:\ और तो हमने ये लोकेशन डाल दी, तो हमारा कंपनी क्या होगा अभी इस लोकेशन में जाके सेव होगा। तो यहां पर हमने एंटर मार दी, एंटर मार कंपनी का हमने पाथ सिलेक्ट कर ली। अब यहां पर आपका कंपनी का नाम आपको क्या रखना है वो आप यहां पर रख सकते हो, तो चलो हम अपने कंपनी का नाम रख देते हैं। तो चलो कंपनी का नाम हम कुछ भी रख दिए। उसके बाद में हमने यहाँ पर दिया गया है मेलिंग नेम, मेलिंग नेम मतलब कोई शॉर्ट नेम, कोई निक नेम या कोई स्पेशल नंबर है जिसके नाम से आपको डिस्प्ले होकर दिखना चाहिए बाहर, तो आप वो नाम रख सकते हैं।
यहाँ पर आप एड्रेस सेट कर सकते हो, आपका कौन सा एड्रेस है, तो आप अपना एड्रेस डाल दो। उसके बाद यहाँ पर आप किस कंट्री से हो वो कंट्री डाल सकते हो, या फिर आपने कंट्री सेट कर दिए उसके बाद में किस स्टेट से हो स्टेट सेट कर दीजिए। उसके बाद में आपका एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद में आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में आपका जो भी ईमेल आईडी होगा आप ईमेल आईडी डाल दो। उसके बाद में आप कोई वेबसाइट होगा तो आप यहां वेबसाइट डाल सकते हैं। unicomputer.com डाल दिया हमने। अब यहां दिया है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल का मतलब है कि आपका जो ईयर शुरू होता है, हमारे जो अकाउंटिंग का जो ईयर होता है वो 1/4 से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो वो आ गया। उसके बाद में यहां पर दिया गया है बुक बिगनिंग। बुक बिगनिंग फ्रॉम मतलब आपने कंपनी कब से शुरू की है, आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुआ या आपने एंट्रिया कब शुरू की, तो उस दिन के डेट आता है बुक बिगनिंग। तो हम यहां पर भी सेम रख देते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद में एक नया पेज खुलेगा। अब यहां पर आपको जो है यहां ये दोनों ऑप्शन दे सकना है। उसके बाद में आपको यहां पर अकाउंटिंग में यहां पर दोनों ऑप्शन दे सकना है। उसके बाद में आपको इन्वेंटरी में दोनों ऑप्शन दे सकना है। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST यहां पर यस करना है। उसके बाद में आपका जो भी स्टेट है आप यहां से स्टेट सिलेक्ट कर लो। यहां रजिस्ट्रेशन टाइप दिया गया कंपोजिशन या रेगुलर, तो आप जो है रेगुलर कस्टमर है तो यहां पर रेगुलर डालो। कंपोजिशन का मतलब है कि आप कंपोजिशन मतलब जिससे आप अपनी मर्जी से जो है साल में पे करते हो तो वो डाल सकते हो। तो यहां पर हम रजिस्ट्रेशन टाइप ले लिए। यहां पर आपको यहां पर दिया गया है GST एप्लीकेबल फॉर्म, तो GST कब एप्लीकेबल कर किया, तो यहां पर हम 1/4/2024 रखें। तो ऐसे अगर आप देखे जाए तो हमारे कंपनी के हिसाब से हमने ये डेट सेट कर दी। तो ऐसा हमारे इंडिया में GST कब लागू किया गया, GST कब आया, हम वो भी डेट यहां डाल सकते हैं, वो भी यहां पर एप्लीकेबल करवा सकते हैं। तो हमारा इंडिया में GST आया है 1/7/17, 1 जुलाई 2017, तो आप ये डेट भी डाल दो कि हमें याद रहे, इसलिए हमने ये डेट डाल दी कि आपको पता रहना चाहिए कि हमारा GST कब लागू किया गया, तो हमने ये डाल दिया। उसके बाद में यहां पर दिया है GST टिन नंबर, तो GST नंबर होता है टोटल 15 डिजिट। तो यहां पर सबसे पहले आता है आपका अलग जिस स्टेट से हो उस स्टेट का कोड आ जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका स्टेट कोड के बाद में आपका पैन नंबर आता है 10 डिजिट का, तो ASDFG4563Q, तो A से लेके Q तक के आपका पैन कार्ड नंबर होगी। उसके बाद में आता है 1, तो ये बताता है कि आपका ये जो है सेम पैन होल्डर वाले एक स्टेट में कितने लोग हैं, जैसे एक नाम से कितने लोग होते हैं, एक पर्सन है तो एक डालेंगे, अगर दो है तो यहां पर हम दो डालेंगे। उसके बाद में यहां पर आता है Z जो ऑल इंडिया के लिए कॉमन है। उसके बाद में आप यहां पर 1, 2, 3 या ABCD होता है, अगर न्यू यूजर अगर ये करते हैं लाइसेंस एक्टिवेट करवाते हैं या GST खरीदते हैं तो वहां पर आपको 1, 2, 3, 4 मिलेगा। अगर कोई पुराने यूजर है जो पहले वायट में थे फिर बाद में GST नंबर लिए तो वहां अल्फाबेट मिलता है, तो यहां पर हमने 1 डाल दिया। यहां पर हम बढ़ते हैं
यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप जीएसटी R1 मतलब सेल रिटर्न फाइलिंग कब करना चाहते हो, मंथली हर महीने करना चाहते हो कि क्वार्टरली, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो बाकी का ऑप्शन दिया है इसे हम नो कर देते हैं। उसके बाद में एंटर मार के आगे बढ़ोगे, उसके बाद में यहां से हम एंटर एंटर मार के से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। इसे हमें बंद करना है, शट करना है, तो शट करने के लिए आप यहां पर कंट्रोल प्लस F3 शट कंपनी कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस F3 शट कंपनी, इससे क्या होगा आपका कंपनी टैली से बंद हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, जिससे आप शट कर सकते हो। तो आप कंट्रोल प्लस F3 करो या फिर अल्टर के कंपनी इंफॉर्मेशन में जाओ या फिर यहां कंपनी पे क्लिक करो। यह है कंपनी इंफॉर्मेशन, इसके नीचे एक अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपको अल्टर बटन प्रेस करके के बटन प्रेस करना। तो यहां पर हम क्लिक कर दें तो देखो यहां पर आपको दिया गया है शॉर्टकट की शर्ट के लिए कंट्रोल प्लस F3। तो यहां पर हम एंटर कर देते हैं, यही कंपनी है, इसी को बंद करना है, बंद कर दें। अब हमने समझो ये टैली को बंद कर दिए, हमें वापस आके टैली चालू किए और टैली में हमें अपना कंपनी शुरू करना। तो एजुकेशन मोड पे जाएंगे तो आपका कंपनी का जो भी लोकेशन है वो आप यहां पर डालना पड़ेगा। आपको यहां पर अपना कंपनी सर्च करना है तो अपना पार्ट डालो जहां पर आपने कंपनी सेव किए थे। तो हम अपने यहां पर कंपनी की लोकेशन डालते हैं D:\Prime\ अपना नाम डाल दीजिए, एंटर मारेंगे तो हमारा कंपनी दिखाई दिया और ये उसका नंबर है इस कंपनी। तो यहां पर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखो आपका कंपनी शुरू हो गया। कंपनी में कुछ चेंज करना है, अल्टरनेशन करना है तो आप इसे अल्टर के बटन दबा के कंपनी इंफॉर्मेशन में जाओ या फिर यहां कंपनी पर हमने क्लिक किया। यहां आप नीचे आओगे तो यहां आपको अल्टर ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर हम एंटर बटन दबाएंगे। अब आपका कंपनी अल्टरेशन, अब यहां कंपनी में आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहां पर आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहां पर हमने जैसे यहां पर डाल दिए कपिल नगर, और इसको एंटर टू मार के सेव कर दिया, फिर कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर सकते हो शॉर्ट आउट। तो देखो हमने चेंज कर दी, वापस को एडिट करना है तो आप अल्टर के करो या फिर कंपनी पे क्लिक कर। तो हमने अल्टर के किए, आ गया यहां पर, उसके बाद में अल्टर में जाएंगे। कंपनी को हमें हटाना है, यहां से डिलीट करना है, परमानेंट डिलीट करना है टैली से, तो यहां से अल्टर डी बटन दबा सकते हैं। तो हमने यहां पर कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करके डी बटन प्रेस किए तो आपको यहां पर दो ऑप्शन पूछेगा, यस या नो। आपको डिलीट करना है तो यस करो, नहीं तो नो करो। हाँ हमें डिलीट करना, यस करो। तो फिर से आपको एक बार पूछा जाएगा, आपको अगर सच में डिलीट करना है तो यस करो, नहीं तो नो करो। तो हमने यहाँ पर यस किए, आपका कंपनी अब परमानेंट डिलीट हो जाए, अब आपके पास में कोई कंपनी नहीं है, आपका कंपनी डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप कंपनी बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगी होंगी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल में नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाए। हमारा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।